हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। ये है लखनऊ की फेमस खुलकी, जो खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं मेरे इन गार्डन के सुंदर सुंदर फूलों से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे दही। दही को ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्च और जीरा। अब इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये मसाला अच्छे से पिस जाएगा। तो यहाँ पे ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको डालते हैं दही में। अब इसमें डालते हैं काला नमक, स्वाद अनुसार सादा नमक। इनको डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम फुलकी का घोल भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-6 चम्मच बेसन डाला है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसको लगातार हिलाते हुए फेंटते हैं ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहेगी। तो यहाँ पे अब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। देखें, हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए। तो चलिए अब इसकी बना लेते हैं फुलकियाँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें सारी फुलकियों को एक एक करके डाल देते हैं। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो हमारी फुलकियाँ नीचे से तो जल जाएगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारी फुलकियों को डाल लिया है। अब इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी फुलकियाँ एकदम से पक चुकी है। अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो अब इनको निकाल लेते हैं। अब इनको हम दही वाले बैटर में डाल देते हैं। तो अच्छे से मिला लेते हैं इनको। इनको 5-6 मिनट के लिए इसी में रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारा दही इसके अंदर आ जाए। अब इसमें लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, 2 लेंगे लाल मिर्च। अब इसको डाल देते हैं फुलकी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने फुलकी के ऊपर तड़का लगा दिया है। अब इसमें डालते हैं ऊपर से कटे हुए बारीक प्याज। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए दोस्तों, हमारी फुलकी तैयार है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।